वेलकम बैक, नमस्कार, राम राम, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉकीज टॉक विद गौतम में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ इंडियन एक मूवी की। मूवी का नाम है महानुभवुडु और ये मूवी सन 2017 में रिलीज हो चुकी है। फिलहाल इसको हिंदी में डब किया जा चुका है। सर्वानंद ने इसमें लीड कैरेक्टर निभाया है आनंद का। बाकी मूवी की स्टार कास्ट के बारे में बात करेंगे, कहानी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चाहिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। अब कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे इक्का दुक्का शब्दों में अगर इस मूवी का रिव्यू किया जाए तो यार हाँ, ये एक बार के लिए देखी जा सकती है। अगर आप लोग ज़्यादा मारधाड़ से भरी हुई फिल्में देखना नहीं चाहते, एक हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ में एक अच्छी रोमांटिक मूवी देखना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक गुड चॉइस है। आप इस मूवी को देख सकते हैं, ज़्यादा समय आपका लेती नहीं है। 2 घंटे 31 मिनट की ये मूवी है। स्टार कास्ट में कुछ और लोग शामिल हैं जिनका नाम मैं आपको बता देता हूं। महरीन कौर सर्वानंद के साथ में उनके लव एंगल में दिखाई जाती हैं। वहीं वेनेला किशोर ने किशोर नाम का ही एक कैरेक्टर प्ले किया है। अब बात कर लेते हैं कहानी की कि कहानी क्या है। कहानी कुछ यूं है कि सर्वानंद का कैरेक्टर आनंद एक बीमारी से ग्रसित है। उस बीमारी को OCD बोला जाता है। वैसे ये एक मनोस्थिति होती है जहां व्यक्ति गंदगी से दूर रहना चाहता है, जन्म से बचा रहना चाहता है, वो किसी भी प्रकार की गंदगी से हर कीमत पर दूर रहना चाहता है। अदरवाइज उसे दौरे भी पड़ सकते हैं और काफ़ी क्रिटिकल ये एक बीमारी होती है जो इस मूवी में काफ़ी अच्छे से दिखाई गई है। आनंद को ये बीमारी होती है, वो अपने ऑफिस में स्टाफ के साथ भी इसी प्रकार का बिहेव करता है, वो उनसे दूर रहता है, उनको डांटता है। बाकी आगे जाकर के उसकी लाइफ में एंट्री होती है महरीन कौर की, जो मेघना का कैरेक्टर इसमें प्ले कर रही हैं। वो उनके ऑफिस में एज ए ट्रेनी ज्वाइन करती हैं। आनंद को उससे प्यार हो जाता है, दोनों की लव लाइफ आगे बढ़ती है, महरीन उसको अपनाती है उसी रूप में। बाकी ये चीज़ें, ये OCD की बीमारी आगे जाकर के उसकी ज़िंदगी में काफ़ी उथल पुथल मचाती है। बहुत सारे कॉमेडी भरे हुए सीन आपको इस पर देखने को मिलेंगे जो आपको काफ़ी गुदगुदाते भी है और आपका टाइम पास भी करते हैं। ये ऐसी मूवी नहीं है जो बोर करे, ये मूवी एक बार के लिए भी आपको बोर नहीं करेगी। हाँ, अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक्शन मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो इस मूवी से ज़रूर निराश होंगे। हल्की फुल्की कॉमेडी के लिए और एक अच्छी लव स्टोरी के लिए इस मूवी को एक बार के लिए देखा जा सकता है। आगे जाकर के कहानी में काफी सारे ट्विस्ट आते हैं क्योंकि महरीन के पिता को गांव में चाहिए अच्छी पोजीशन, अच्छी इज्जत। उसके लिए वो अपने दामाद को अपने गांव ले जाता है। गांव ले जाने के बाद में ये जो बीमारी मैंने बताई आनंद की, वो और विकराल रूप ले लेती है। काफी सारे अच्छे सीन्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो हल्की फुल्की मूवी आप इसको मान सकते हैं, एक बार के लिए इसको आप झेल सकते हैं, इतनी भी बुरी नहीं है। हिंदी डबिंग इसकी अच्छी है। बाकी साउथ इंडियन जो गाने हैं वो आप जानते ही हैं कि जब हिंदी में डब होते हैं तो कितने बुरे और कितने वाहियात होते हैं। तो गानों को स्किप कर दिया जाए तो ये मूवी एक बार के लिए देखी जा सकती है, इतनी बुरी नहीं है। ओवरऑल ठीक ठाक मूवी है। रेटिंग की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली मैं इसे दूंगा 5 में से 2.7 अंक। बाकी इसी तरह के मजेदार वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। और जिन मूवीज का, वेब सीरीज का आप लोग रिव्यू जानना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्यू में। तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम।